हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोग के साथ अपना सेल्फ केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और राइट नाउ यहाँ पर मम्मी प्याज काट रही है। इस प्याज को मैं होममेड हेयर ऑयल के लिए यूज़ करने वाली हूँ। रिसेंटली ही मुझे इस ऑयल के बारे में पता चला है और मैंने एक दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ, ये सेकेंड टाइम बना रही हूँ, जिसका मुझे रिज़ल्ट भी अच्छे से दिखने लगा है, इसलिए सोचा कि मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। इसमें इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम नीड होती है, जैसे मेथी, प्याज और येलो मस्टर्ड ऑयल की नीड होती है। कुछ लोग इसमें नीम का पत्ता भी डालते हैं, लेकिन मेरे पास था नहीं तो मैंने वो नहीं डाला है। यही तीन इन्ग्रीडियंट्स के साथ मैंने ये ऑयल बनाया है। बहुत सिंपल है इसका प्रोसेस। जितना आपको ऑयल चाहिए बालों के लिए, या जितना आपके पास स्पेस है डब्बी में या बॉटल में, उतना आप ऑयल का क्वांटिटी निकाल लीजिए कढ़ाई में। उसके बाद ऑयल को गर्म होने रखेंगे हम और वेट करेंगे। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा तो हम प्याज ऐड कर लेंगे और प्याज को थोड़ा सा चला लेंगे, और इसके साथ साथ उसी पॉइंट पर मेथी भी ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने दो प्याज लिया है और मेथी का भी क्वांटिटी आप देख सकते हैं जितना मैंने लिया है। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। अगर आपने ऑयल थोड़ा कम लिया है तो प्याज और मेथी भी थोड़ा कम ही लीजिए, और अगर ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है तो प्याज और मेथी भी उसी हिसाब से ले लीजिए। वैसे इस ऑयल को बनाने के लिए हमें प्याज और मेथी दोनों को ही अच्छे से जला देना है पूरा। और इस तरीके से आपको दिखेगा पूरा जला जला। और अभी तो गर्म है तो इसको साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए, और जब अच्छे से ऑयल ठंडा हो जाएगा इसको फिर हम बॉटल में या किसी डिब्बे में ट्रांसफ़र कर देंगे छन्नी की मदद से। और यहाँ पर ऑयल बिल्कुल रेडी है। जब भी आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं, और नहाने से एक घंटा पहले इसको यूज़ करिए। जब भी आप इसको अप्लाई करेंगे एक घंटे बाद आप नहा लीजिए। दो घंटे भी आप रख सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, बट मैं एक घंटा ही रखती हूँ। एंड देन ऑयल बनाने के बाद यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट में आजकल स्मूदी लेती हूँ नट्स और सीड्स का, जो जो अवेलेबल होता है वो सब थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ, जैसे वाइट तिल, पम्पकिन सीड्स, वॉलनट्स, बादाम भी डालती हूँ, लेकिन आज बादाम नहीं था तो ख़त्म हो गया था तो नहीं डाला। चिया सीड्स हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गए, और एक दो खजूर डाल देती हूँ, सनफ्लावर सीड्स डाल देती हूँ, और इसके साथ साथ एक चम्मच हनी डाल देती हूँ और ओट्स भी ऐड करती हूँ। इन सबको मैं एक या डेढ़ कप मिल्क में अच्छे से मिक्स करके ले लेती हूँ। एक्चुअली ये 3-4 घंटे तक भूख भी नहीं लगती है, हैवी होता है ना, तो अच्छे से पेट भरा भरा रहता है और हेल्दी भी होता है। आजकल मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि थोड़ा हेल्दी खाऊँ, क्योंकि मैं बाहर का बहुत ज़्यादा खाती हूँ, आप लोग को भी पता होगा, तो अभी मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा हेल्दी खाना खाऊँ। और ये हमारे हेयर और स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है, तो इन सब का इनटेक हमारी डेली डाइट में भी बहुत ज़रूरी है। और ये स्मूदी रेडी हो गया है। थोड़ा सा बहुत थिक बनता है ना, तो मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेती हूँ इसमें। और अभी यहाँ पे मैं बैठ के स्मूदी पी रही थी, और ये सब लोग टीवी देख रहे हैं, बच्चे और मम्मी सब मिलके। और ब्रेकफास्ट करने के दो घंटे के बाद फिर मैं अपने रूम में आके यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था। बट रूम में आने से पहले मैंने देखा फ्रिज में ये नाशपाती रखा हुआ था पेयर, तो इसको मैं आके यहाँ पे खाने लग गई। मुझे नहीं पता कि आप लोग इसको इस तरीके से खाते हैं या नहीं, लेकिन जो नहीं खाते हैं वो लोग ज़रूर ट्राई करिए।
इतना यमी, इतना टेस्टी लगता है ये इस तरीके से खाने में। थोड़ा सा नमक डाल के, चाट मसाला डाल के और नींबू को अच्छे से निचोड़ के, खूब नींबू का रस भर भर के डाल के उसको खाइए। खट्टा खट्टा इतना मज़ा आता है, यमी लगता है। अभी मैं इसको एडिटिंग करते हुए भी देखती हूँ, मुझे मुँह में पानी आ रहा है वापस, इतना अच्छा लगता है ये खाने में। सो आज मैं कैफीन का फेस स्क्रब, फेस वॉश और सीरम यूज़ करने वाली हूँ। फेस वॉश तो मैं करके आ गई हूँ, तो साथ ही साथ मैं इससे पहले आपको ये भी बताते चलूँ कि मैं 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया है कि मैं प्लम कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मतलब यूज़ करते आई हूँ। और कैफीन का जैसे अभी रिसेंटली ही स्टार्ट किया है, कुछ महीने ही हुए हैं। ये दोनों कंपनी का ये सब कुछ मेरे फेस पर बहुत जाता है, सूट करता है। सो मैं फेस वॉश करके आ गई थी, तो अब मैं स्क्रब अप्लाई करने जा रही हूँ। और मेरे पास ये दो सेट है, एक सेट है ये ब्रश और मसाजर का। तो ब्रश बहुत ही सॉफ्ट है इसका, इस पर मैं थोड़ा स्क्रब लेके अच्छे से 2-3 मिनट या 4 मिनट्स तक, जितना मुझे नीट लगता है उस हद तक मैं इसको अच्छे से चला लेती हूँ पूरे फेस पे सब जगह। और उसके बाद मैं ये जो मसाजर है वो चेंज कर लेती हूँ, फिर उससे अच्छे से टैप करके और अच्छे से मसाज देकर रिलैक्स फील होता है, अच्छा लगता है। मैं उस इन दोनों का यूज़ करती हूँ नॉर्मली अपना फेस रूटीन करने के लिए। और मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करना चाहूँगी कि मैं ये रूटीन को, फेस रूटीन को हर हफ्ते या हर 10-15 दिन के बाद नहीं कर रही होती हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। जब मुझे नीट लगता है या जब मुझे लगता है कि मैं बाहर बहुत आना जाना कर रही हूँ, जब मुझे ज़रूरत पड़ती है सिर्फ तब मैं करती हूँ ये रूटीन। इसके अलावा महीने में एक दफ़ा O3 का फेशियल ले लेती हूँ, दैट्स इट। बट जो ब्लैक कलर का मास्क अभी आपको दिखेगा, डिटॉक्स मास्क है वो, उसका मैं यूज़ अक्सर कर लेती हूँ, स्पेशली गर्मी में। जब दिल्ली में बहुत गर्मी होती है तो मुझे उसकी नीड होती है, तो मुझे लगता है कि डिटॉक्स के लिए वो मास्क बहुत बेस्ट है। थोड़ा ठंडक भी देता है, कूलिंग, कूल सा फील होता है और अच्छा भी है मेरे स्किन के लिए, तो मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर अभी जो हमने आज ऑयल बनाया है उसी का यूज़ करके बालों पे रूट्स तक जाकर अच्छे से मसाज दे रही हूँ। मेरे बाल वैसे बहुत वीक हो गए हैं, आजकल मॉनसून का भी मौसम चल रहा है तो बहुत बाल मेरे झड़ रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम से मैं ये वाला ऑयल यूज़ कर रही हूँ, तो इसका फ़ायदा देख रही हूँ, थोड़ा अच्छा हो रहा है, रिज़ल्ट दिख रहे हैं मुझे। और फिर ऑयल करने के बाद मैंने बालों को अच्छे से बांध दिया है और यहाँ पर मैं चमचम खा रही हूँ। एक्चुअली जब घर पे होती हूँ तो मम्मी इतना खिलाती पिलाती रहती, मैं भी खाती रहती हूँ, तो मम्मी चाय और ये चमचम ला के मैं वही खा रही हूँ। और साथ ही साथ अभी नहाने को टाइम है क्योंकि जस्ट अभी मैंने ऑयल लगाया है, तो 1 घंटा तो मेरे पास है। तो नॉर्मली जब मैं बालों पर ऑयल लगाती हूँ तो वो वेटिंग का जो टाइम चल रहा होता है उस दौरान, या तो फिर मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ, या मैं नेल्स कट कर लेती हूँ, या मैं रीडिंग कर लेती हूँ। तो आज मैं नेल पेंट लगा रही हूँ और साथ ही साथ जैस्मिन भी मेरे साथ नेल पेंट अप्लाई करना चाह रही है, तो वो भी आके बैठ गई, मुझे ज्वाइन कर गई, तो हम दोनों बैठ के अभी नेल पेंट लगाएंगे। और जैस्मिन ने पिंक वाला चूज़ किया है लगाने के लिए, मैंने पर्पल चूज़ किया, इस दफ़ा पर्पल लगा रही हूँ। बट नॉर्मली मुझे वाइट नेल पॉलिश बहुत ज़्यादा पसंद है, इतने सारे नेल पेंट्स होने के बावजूद भी मैं वाइट वाला अक्सर लगाती रहती हूँ। मुझे वाइट कलर का नेल पेंट इतना ज़्यादा पसंद है। शावर लेने के बाद और फ्रेश होने के बाद कैफीन कंपनी का ही सीरम यूज़ कर रही हूँ लास्ट स्टेप, ऐसे फिंगर टिप्स के साथ लाइट टैप टैप करके हल्का सा मसाज देकर बस लीव कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ। सो बस आज के लिए सिर्फ इतना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये सेल्फ केयर रूटीन और व्लॉग अच्छा लगा होगा।
सिंपल ही है, मेरे सब रूटीन वगैरह सिंपल ही होता है। इवन जो प्रोडक्ट्स भी यूज़ करती हूँ वो भी अफोर्डेबल है, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो बस यही, आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।